लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बीजेपी के जिला महामंत्री और पॉलिटिकल एक्सपर्ट विजय घाटे साहब मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे हम जानने की आज कोशिश करेंगे नवी महानगर पालिका चुनाव को लेकर, यहाँ चल रहे डेवलपमेंट को लेकर और इससे जुड़े हुए तमाम विषयों को लेकर। तो सवाल के हम शुरुआत यही करते हैं कि अब तो दिवाली भी खत्म हो गई है और तैयारी ऐसी थी कि नवी महानगर पालिका में जल्द चुनाव होंगे, लेकिन दूर तक इसके आसार अभी तक दिख नहीं रहे हैं। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? सवाल यह है कि महाविकास आघाड़ी खुद कन्फ्यूज स्टेट में पिछले दो साल से काम कर रही है। पिछले कई सालों से, कई महीनों से आप अगर देखेंगे, सवेरे उठ के पहला स्टेटमेंट ये होता है कि नहीं, महाविकास आघाड़ी को कोई धोखा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि धोखा है करके कहा किसने? किसी ने कहा नहीं, तो वो खुद स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी से डायरेक्ट कलेक्शन ये उनको आसान पड़ता होगा, इसके लिए वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन डेवलप ना हो, इसके लिए वो लोग हर जगह पे कोशिश अपनी अपनी जगह कर रहे हैं। अभी रेगुलर प्रोसेस में अगर देखेंगे तो नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव जो थे वो ड्यू थे पिछले फरवरी में, लॉकडाउन वगैरह हो गया, अक्टूबर नवंबर से चुनाव चालू हो गए, दो बाई इलेक्शन हो गए, तो चुनाव करना की अगर इच्छा होती तो महाविकास आघाड़ी डेफिनेटली ओके कर देती थी और अक्टूबर में या नवंबर में चुनाव हो सकते थे पिछले साल। वो नहीं हो गए तो चलो ठीक है, मार्च में हो सकते थे, मार्च में भी उन्होंने टाल दिए। अब जब चुनाव उनको घोषित करना ही पड़ा फरवरी के लिए, तब जाके उन्होंने नया शगुफ्ता लेके आ गया कि अभी पैनल सिस्टम में होगा, ताकि अभी पैनल सिस्टम अगर हो जाएगा फिर वो लोक संख्या के हिसाब से उनका अलग अलग प्रभाग बनाना, एवरेज प्रभाग 25 से 30 हजार का होना चाहिए, इस तरीके से करना, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो जनवरी फरवरी का जो चुनाव ड्यू है, जो एक्सपेक्टेड था, वो अब होगा कि नहीं होगा ये एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठ गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव के बाद कुछ आराम करके अगले चुनाव की तैयारी करते रहती है, और चुनाव करके तैयारी नहीं करती, लोगों के हित में अपना काम करते रहती है। जैसे एकात्मतावाद जो है वो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, तो हम लोग को कोई ये नहीं है कि चुनाव कब करेंगे क्या करेंगे, हम अपना काम करते जा रहे हैं वार्ड बूथ लेवल पे। एक चीज अगर आप देखें तो जैसे पैनल पद्धति की घोषणा हुई, राज्य सरकार ने किया कि अब एकल पद्धति जो थी उसकी बजाय अब पैनल, तीन सदस्यीय पैनल पद्धति से चुनाव होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना के तमाम कार्यक्रम होने लगे, संवाद कार्यक्रम हुए, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है, इसमें भाजपा कहीं नज़र नहीं आ रही है, जबकि भाजपा के इस नवंबर में दो विधायक हैं। क्या वजह आपको लगती है, क्यों बैकफुट पर भाजपा है? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बैकफुट पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले लॉकडाउन के पीरियड से, मेरे ख्याल से मार्च 2020 से लेकर आज तक, घर घर तक हर दिन किसी ना किसी वजह से पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्यपद्धति और पक्ष रचना जो है वो बदल दी है। हमने यहाँ पे जिला कमेटी से लेके मंडल कमेटी, यानी नोड के, जैसे नेरुल के दो पार्ट, तीन पार्ट है, सीवुड है, नेरुल ईस्ट है, नेरुल वेस्ट है, वाशी है, सानपाड़ा है, ऐरोली है, घनसोली है, दीघा है, इस तरीके से हमारे मंडल है। मंडल के बाद वार्ड आता था, वो हमने वार्ड पद्धति पिछले साल ही खत्म कर दी पक्ष ने, और हम लोग बूथ पे काम कर रहे हैं। अब हमारे 849 जो टोटल बूथ है, 849 बूथ में करीब करीब 800-850 बूथ के ऊपर हमारी कमिटियां हो चुकी है। और अगर आप अगर बूथ का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो एक बूथ पे 30 जन की कमिटी होती है। अब ये सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है, काम करने के लिए आसान होता है, और जो नीचे का तबके का कार्यकर्ता होता है उसको एक लिमिटेड वर्क टारगेट मिल जाता है। अब वो जब वो काम करते रहता है तो उसको 10 या 15 फैमिली के पास उसको अप्रोच करना पड़ता है। तो सेंटर से लेके बूथ तक हमने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। चुनाव के हिसाब से काम करना ये हमारा उद्देश्य कतई नहीं है, लोगों की सेवा करना ये हमारा पक्ष का दायित्व है, जो हम पूरा का पूरा कर रहे हैं, और इसके लिए कोई मेलावा करना या कुछ होना ये जरूरी नहीं है। हमारे प्रशिक्षण वर्ग मंडल स्तर पे हो चुके हैं, ताकि बूथ के जो अध्यक्ष होंगे, बूथ अध्यक्ष को प्रशिक्षित किया गया है, उसके अंदर हमारा राष्ट्र, हमारे विचार, हमारे चल रहे काम,
आज के तारीख में महाविकास आघाड़ी का फेल्यूर, ये सारी चीजों से हम लोग अपने पदाधिकारियों को, बूथ लेवल के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो जो विजय घाटे महामंत्री बोल रहा है वो मेरा बूथ का अध्यक्ष भी वही बात उतने ही अच्छी तरीके से कह सकता है। इस तरीके से हम लोग कार्यकर्ता डेवलप कर किया हुआ है। खैर, चुनाव तो अभी टलते हुए नजर आ रहा है, आपको इसके पीछे क्या ऐसा कारण लगता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार एक बार फिर से पहले जैसे ब्यूरोक्रेसी या लाल फीताशाही के जरिए पूरा प्रशासन चला रही है? महाविकास आघाड़ी के कुछ इंटरनेशनल प्रवक्ता जो है, विश्व प्रवक्ता, वो कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर को सम्मानित करना चाहिए। मैं कहता हूं नवी मुंबई के स्तर के ऊपर फेडरल स्ट्रक्चर अगर स्टेट के लिए एप्लीकेबल है तो महानगर पालिका के लिए वही स्ट्रक्चर एप्लीकेबल नहीं है लोकशाही का। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात कहता हूं, जहां नवी मुंबई इन्होंने बेचा हुआ है, मैं सीना ठोक के बोलता हूं, 6 सितंबर 2021 को एक अध्यादेश निकला हुआ है। अभी वो अध्यादेश क्या है उसके लिए पूर्व पीठिका जाननी जरूरी है। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तब के जो भी लोक प्रतिनिधि नगर सेवक थे कार्यरत, उन्होंने दिसंबर 2019 में कॉर्पोरेशन के पदाधिकारियों ने किया हुआ डेवलपमेंट प्लान जो लोगों के लिए किया हुआ था नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 109 स्क्वायर किलोमीटर के लिए, वो महासभा के लिए रखा और वो महासभा ने कुछ 226 करेक्शन के साथ मंजूर किया हुआ था। अब नागरिकों को, मतदाताओं को ये जानना आवश्यक है कि ये डीपी प्लान क्या है। डीपी प्लान ये है कि नवी मुंबई में अब जितने भी ओपन प्लॉट्स है और अगले आने वाले 20 साल के अंदर जो लोगों को पॉपुलेशन बढ़ने वाला है नवी मुंबई का, कि करीब करीब 27 लाख पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड है, ऐसे हमारे सोर्सेस से हमको इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन जहां तक हमारा अभ्यास है 30 से 35 लाख के करीब 2027 की पॉपुलेशन नवी मुंबई में होगी। अब इतने सारे पॉपुलेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए ओपन ग्राउंड चाहिए, प्ले ग्राउंड चाहिए, गार्डन चाहिए, आपके स्कूल के लिए प्लॉट चाहिए, आपके हॉस्पिटल्स के लिए प्लॉट चाहिए, इस हिसाब से जितने भी ओपन प्लॉट है उसके ऊपर रिजर्वेशन डाला गया था। अब 2020 में माननीय महापौर जी के पास जितने भी पार्टी के गठन नेता है उनकी एक बैठक हो गई और उन्होंने प्रस्ताव मंजूर किया कि जो 226 करेक्शन सुझाए हुए हैं वो सुझाव के साथ ये सारा महाराष्ट्र सरकार के अप्रूवल के लिए भेजना है करके। अब ये 2027 का लोक संख्या के ध्यान में रखे हुए डाले गए थे आरक्षण थे, लेकिन अभी के सरकार में महासभा अस्तित्व में नहीं है, इसके लिए उन्होंने ट्रायल पे पहले 6 प्लॉट सानपाड़ा में बेच दिए कि जो वहां के लोगों की जरूरत थी। आने वाले पॉपुलेशन को ग्राउंड्स नहीं थे, वो उन्होंने बिल्डर के साथ मिलके बेच दिया। अब वहां पे जब आवाज उठी कि आपने कैसे बेचा, क्या बेचा, तब उन्होंने कहा कि भाई 6 प्लॉट तो हमने बेच दिए। अब जाके 6 सितंबर 2021 को जो आदेश आया है वहां पे लिखा गया है अध्यादेश में 500 मीटर के नीचे के प्लॉट के ऊपर का ही आरक्षण रहेगा, उसके ऊपर के सारे प्लॉट बेचे जाएंगे। और वो कौन बेचेगा? सिडको बेचेगा। क्यों बेचेगा? तो अगर वो नहीं बेचा तो सिडको बड़ी लॉस में चली जाएगी, ऐसा उनका कहना है। और ये पूरा कंप्लीट परमानेंट डैमेज नवी मुंबई के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं ने किया हुआ है, पालक मंत्री ने किया हुआ है, सिडको ने किया हुआ है, और हमारे जो प्रशासक है, आयुक्त है, उसके अंदर वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से हदबल दिखाई देते हैं, लेकिन लॉस हम लोग का, नवी मुंबई के जनता का परमानेंट हो गया। और ये मतदाता उन्हें सुनना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि महाविकास आघाड़ी के जो नेता आपके लिए यहाँ पे नवी मुंबई में आ रहे हैं वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। अब आपको लगता है ऐसे में रियल तौर पर डेवलपमेंट हो रहा है कि जब महानगर पालिका में लोक प्रतिनिधि है ही नहीं, नगर सेवक है ही नहीं, सिडको में कोई चेयरमैन कोई डायरेक्टर नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व का यहाँ मजाक चल रहा है, ऐसे में आपको लगता है कि क्या सही दिशा में नवी मुंबई का डेवलपमेंट हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए? नवी मुंबई का डेवलपमेंट ठाणे के दिशा में हो रहा है। आज नवी मुंबई के स्थानीय भूमिपुत्रों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके थाना के कॉन्ट्रैक्टर आ रहे, बड़े कॉन्ट्रैक्टर थाना के आ रहे, अधिकारी लोग मंत्रालय से आ रहे, अधिकारी का यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या है? कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं है। कुर्सी डेप्यूटी कमिश्नर के भगाने वाला महाविकास आघाड़ी का कार्यकर्ता, लेकिन पूरे दुनिया के लिए उन्होंने एंट्रेंस बंद कर दिया, इस तरीके का जो कारोबार चल रहा है। और सिर्फ उद्घाटन के लिए यहाँ पे आने के लिए पालक मंत्री अवेलेबल है, सिर्फ उद्घाटन के लिए आने के लिए यहाँ पे खासदार अवेलेबल है, बाकी कोई काम के लिए अवेलेबल नहीं। बाकी का हर काम हमारे यहाँ के दोनों नेता एमएलए गणेश नाइक साहब, मंदाताई मात्रे, आमदार रमेश दादा पाटिल, हमारे कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, ये लोग कर रहे हैं और ये सारी जनता जानती है कि ये काम हो क्या रहा है। और इनका सारा फोकस जो है
महाविकास आघाड़ी का नेताओं का प्लॉट बेचना, टेंडर निकालना, फ्लाईओवर बनाना जो नहीं चाहिए अभी, उसके लिए म्युनिसिपैलिटी का पैसा डाइवर्ट करना, सिडको का पैसा नवी मुंबई के लिए नहीं मिलेगा लेकिन मुलुंड में बनेगा। मुलुंड में बीएमसी का ज्यूरिडिक्शन है, बीएमसी के पास आज के तारीख में 82,000 करोड़ की एफडीज है लेकिन उसको हाथ नहीं लगाना, सिडको का पैसा वहां पे बेचना और फिर सिडको के पैसे की कमी हो जाएगी तो नवी मुंबई म्युनिसिपल क्षेत्र के प्लॉट बेचना। इस तरीके का माहौल महाविकास आघाड़ी सरकार ने नवी मुंबई में रखा हुआ है। एक चीज ऐसा नहीं है कि जो लोगों के लिए समर्पित हो। और मुझे नवी मुंबई का ही एक पदाधिकारी ने कहा कि सर आप, हम लोग भले महाविकास आघाड़ी का है लेकिन आप कुछ तो करो, नहीं तो ये हमारे लोग ये बिल्डिंग जो है नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वो भी गिरवी रखेंगे और उसका भी पैसा ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लेके जाएंगे, अब आप संभालिए। वैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, शिवसेना हो गई, ये बीजेपी की घेराबंदी में लगे हुए हैं और सभी जिलाध्यक्षों का दावा है कि अगली बार महानगर पालिका में भगवा लहराएगा। आपको क्या लग रहा है, वाकई जिस तरह का माहौल बन रहा है और पैनल पद्धति की अपनाई जा रही है उसके जरिए वाकई भाजपा को शिकस्त झेलनी पड़ेगी, गणेश नाई को शिकस्त झेलनी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहली बात, पैनल सिस्टम जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने लेके आया था, देवेंद्र फडणवीस जी ने संकल्पना लेके आए थे, नगराध्यक्ष पब्लिक से चुनना ये सारी संकल्पना थी, उस टाइम विरोध किया था जबकि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की थी, साथ थी, तब तो कोई कहना नहीं था। अब वही पैनल पद्धति वो लोग लेके आ रहे, उसको मान्यता दे दी जबकि अपोज किया हुआ था। रहा सवाल घेराबंदी का, अभी मतदान के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, चाहे आपका शिवसेना हो, ये तीनों पक्ष के कौन से नेतृत्व करने वाले व्यक्ति नवी मुंबई के निवासी है, एक भी नहीं है। चुनाव के बाद कोई दिखने वाला नहीं है यहाँ पे, और जो दिखने वाला है उनका प्रभाव नहीं है। अच्छा, तीनों पार्टियों में इतने गुटबाजी चल रही है, हर एक आदमी जैसे स्टेट के मिनिस्ट्री में देवेंद्र जी कहते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है वो अपने डिपार्टमेंट का चीफ मिनिस्टर जैसा बिहेव कर रहा है, पालक मंत्री चीफ मिनिस्टर जैसा बिहेव कर रहा है, वैसे ही हालत है तीनों पक्षों की अपने अपने यहाँ नवी मुंबई में है। लेकिन हमारे जो तीनों नेता है वो तीनों नेता नवी मुंबई के निवासी है, उनके हर एक क्षण में, हर एक विचार में नवी मुंबई के विकास का योगदान क्या करे, नवी मुंबई के लोगों के लिए कैसे जाए, और अवेलेबल है हमारे नेता, तीनों नेता अवेलेबल है लोगों के पास। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई मतदाता कंपेयर भी करेगा पार्टी का और नेताओं का तो भी वो नेताओं का हक में राय दे देगा। लेकिन उनके जिलाध्यक्ष जो बाबी जैसे अशोक गावड़े हैं, उनका दावा है कि हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, हमारे मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं और जनता हमारे साथ है। जो जिला प्रमुख विट्ठल मोरे और द्वारकानाथ भोईर हैं उनका अलग दावा है, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक का अपना दावा है कि उनके दम पर ये जीतने वाली है और जब तीनों तिकड़ियाँ भिड़ेगी तो बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। बीच में आपने बयान भी सुना होगा, क्या वाकई इन नेताओं के पास इतनी क्षमता, इतना जनाधार है कि वाकई इस बार बीजेपी के लिए खतरनाक साबित होगा यह गठजोड़? ये जितने भी जिलाध्यक्ष अभी काम कर रहे हैं ना, इनका कार्य पद्धति जो है वो मैं अच्छी तरीके से स्टडी कर चुका हूँ। ये अपने वार्ड के क्षेत्र में ही सीमित है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कांग्रेस के कुछ दो तीन लोग जो है वो मंत्रालय और अपना वार्ड ये छोड़ के और कहीं जाने नहीं है। जिस दिन चुनाव हो जाएंगे ना डिक्लेयर, ये जिलाध्यक्ष है ना, ये नवी मुंबई में नहीं दिखेंगे, ये अपने प्रभाग में झूसते हुए दिखेंगे कि मेरी सीट कैसे बचे। और सबसे बड़ा तकलीफ ये है, मुझे सीट चाहिए, मेरी बीवी को चाहिए, मेरे बेटे को चाहिए, मेरे बहू की चाहिए, और अगर जल्दी से और एक बेटे की शादी कर दो तो उसकी भी बहू को दे दो। इस तरीके के जिलाध्यक्ष क्या लोगों के सामने मैसेज लेके जाने वाले हैं, मैं नगर सेवक भेज रहा हूँ या फैमिली शॉपिंग के लिए भेज रहा हूँ मैं, ये तरीका होने वाला है। अब मतदाता खुद देख रहे हैं, जब नेतृत्व आप जिला का करते हो तो नवी मुंबई के 111 यानी आने वाले 122 वार्ड के ऊपर आपको प्रचार करना पड़ता है, कार्यकर्ताओं से संपर्क रखना पड़ता है, स्टेट के विषय लेने पड़ते हैं। मुझे बात बताइए, अगर आप कल को वोटर के पास जाते हैं कि मुझे वोट दो, किस लिए दो, मैंने क्या किया नवी मुंबई के लिए, ये तो बताना पड़ेगा ना। नवी मुंबई सोचेगी कि हमको दिया क्या। आज के तारीख में
आप 6 सितंबर 2021 का हम नवी मुंबई बेचने का जो आदेश निकाला हुआ है उसका क्या जवाब देंगे? फ्री राशन का क्या जवाब देंगे? डेवलपमेंट का क्या जवाब देंगे? पानी नहीं मिल रहा है दीघा में, उसका क्या जवाब दे देंगे? रेमडेसिविर इंजेक्शन भगाया मीरा भाईंदर, कल्याण डोंबोली, उसका क्या जवाब देंगे? वैक्सीनेशन के लिए रो रहे थे, लेकिन आज अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो वो सबको मिल नहीं रहा है। घर घर दस्तक का कार्यक्रम चालू हो गया, कहाँ है छिड़कों का पैसा? मुंबई डेवलप किया, मुंबई डाइवर्ट किया गया, किस चीज का जवाब देते घूमेंगे? हम कोई आरोप नहीं लगाते, कोई कुछ नहीं करते, हम यही कहते सुरक्षित हाथ में नवी मुंबई विकास के लिए देने के लिए नेतृत्व हमारा सक्षम है, सुरक्षित है और उसको लोगों ने परखा हुआ है, जांचा हुआ है, परखा हुआ है। चलिए ठीक है, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ। आप कह रहे हैं कि जो विरोधी दल के नेता हैं या जो पदाधिकारी हैं वो जनता के बीच जाएंगे तो क्या जवाब देंगे, लेकिन यही सवाल भाजपा की तरफ भी है कि दो विधायक हैं और दोनों आपस में कहीं ना कहीं नहीं बन रही है, आपको नहीं लगता कि ये भी एक सेटबैक है मुंबई में जनता के लिए कि जो जिसके नेतृत्व की हम उम्मीद कर रहे हैं या जिसके नेतृत्व की हम डिमांड कर रहे हैं कि यही नेतृत्व मुंबई को सुरक्षित और समृद्ध बना सकता है, यही विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकता है, तो ऐसे में जब सर फुटौल होगा दो अपने ही नेताओं और दोनों विधानसभा क्षेत्रों में आपसी अगर समन्वय नहीं रहेगा तो आपको लगता है कि जनता प्रतिनिधित्व तो देगी? वो भी तो देख रही है कि आपके ही लोग आपस में लड़ रहे हैं। सबसे पहली बात, ये टोटली रॉन्ग परसेप्शन है। नवी मुंबई का चुनाव इन्हीं दोनों के हाथों में दिया हुआ है पार्टी ने। अब एक तरफ है मंदा टाई मात्रे, अब मंदा का संस्कृत में मतलब होता है नदी, और नदी शुरू हो जाती है चाहे खड्डा हो चाहे पत्थर हो, वो अपने चलती रहती है, लोगों को अपना प्यास, लोगों का प्यास बुझाती रहती है, पानी पिलाती रहती है, खेती को पानी देती रहती है, इस तरीके से चलते रहते हैं। मंदाताई का कार्य ऐसा ही है। दूसरे गणेश नाइक साहब है। अब हमारे संस्कृति में ओम गणेशाय नमः यहाँ से मंत्र शुरू हो जाता है, तो नवी मुंबई का कोई भी वक्ता आने दो वो पहला गणेश नाइक का नाम लेके फिर नवी मुंबई शुरू कर देता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्य जो चल रहा है, जिस पद्धति से हम लोग राजनीति में चल रहे हैं, मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूं अगर आप अलाउ करें तो। गांव में जब हाथी चलता है ना तो लोग उसको नमस्कार करते हैं, हाथी को बोलते हैं भगवान गणेश आ गए, भगवान गणेश आ गए, ऐसे करके नमस्कार करते। कुछ जानवर जो होते हैं छोटे, वो ऐसे पूछ वाले, वो पीछे से चिल्लाते रहते हैं, भौंकते रहते हैं जिनको बोलते हैं पब्लिक। अब कुछ सोचने के बाद सवाल ये उठता है कि वो भोगते क्यों है, क्योंकि वो इतना बड़ा, ये इतने छोटे, फिर भोगना क्यों होता है? सवाल भोगने का उनसे, हाथी से कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है और ना पब्लिक को उनसे कोई प्रॉब्लम रहता है। उनका प्रॉब्लम ये रहता है वो जानवरों का कि सब जन हाथी को नमस्कार कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं नमस्कार कर रहे? तकलीफ ये है। और हाथी को कोई नहीं फर्क पड़ता, चाहे कोई नमस्कार करे चाहे नहीं करे, हाथी अपना मस्त चलते रहता है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को कौन सा जिला अध्यक्ष क्या गाली दे रहा है, हम लोग उसमें बिल्कुल उलझते नहीं है। हाँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी को कोई जानवर का नाम भी नहीं दे रहा हूँ, ये एक कहानी मैंने सिर्फ बता दी, नहीं तो और किसी को बुरा लगेगा तो माफी चाहता हूँ, लेकिन ये एक व्यवस्था के अंदर एक चलना होता है। ये दावा है कि मुंबई का जो विकास है बीजेपी नेताओं के दम पर ही होने वाला है। बीजेपी नेता विश्वासार्हता लेके आ रहे हैं और सारी टीम मिलके नवी मुंबई का विकास करेंगे और नवी मुंबई आने वाले 10 से 15 साल में जो केंद्र सरकार की योजना है जिसके अंदर आपकी ब्लू इकोनॉमी है, आगरी कोळी समाज के लिए पूरी ब्लू इकोनॉमी डेडिकेट की जाएगी, आईटी हब नया हो जाएगा। और मेरा दावा है अगर नए 5-10 साल के अंदर नवी मुंबई में आईटी हब अगला बैंगलोर करके प्रोजेक्शन अगर हो जाएगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आने वाली पीढ़ी के लिए वहां पे जॉब उपलब्ध होगा। एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट के रिलेटेड काफी सारे जॉब्स है, फूड प्रोसेसिंग है, काफी सारे जॉब्स है, ऐसे काफी योजनाएं लेके हम लोग काम कर रहे हैं जिसके अंदर अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सहयोग जहां भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने वाले महानगर पालिका की सत्ता जो है वो उसके अंदर अपना पूरे योगदान देगी। हम लोग कार्बन क्रेडिट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम लोग आखिरी पेशेंट जो कोविड का है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, कोई भी नवी मुंबई वाला भूखा ना सोए उसके ऊपर फोकस रखा हुआ है, हर एक को पानी मिले, हर एक को सुविधा मिले, इसके ऊपर हम फोकस करके चल रहे हैं। बाकी जिनको जो कहना है
वो अपनी जगह कहते। आगाड़ी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया और आपने जैसे कहा कि बीजेपी के जो यहाँ के सीनियर लीडर हैं, जैसे आपने कहा कि सबकी खुशहाली सबका विकास उनका मकसद है, हम उम्मीद करते हैं कि इसी रास्ते पर चलते हुए नई महानगर पालिका लोगों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराएगी और आने वाले समय में राज्य सरकार भी चुनावों को लेकर स्पष्ट घोषणा करेगी कि कब चुनाव होंगे ताकि लोक प्रतिनिधियों के जरिए इस शहर का समुचित और संतुलित विकास हो सके। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नए मुद्दे पर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा TV1 इंडिया। नमस्कार।